तो चीन में तो स्थिति डराने वाली है, लेकिन क्या भारत में इससे हमें डरने की जरूरत है? इसी पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शेखर मंडे जी हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैं। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता हॉस्पिटल। और हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक हैं, जो कि चेयरमैन मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकियाट्रिस्ट जसलोक हॉस्पिटल। और हमारे संवाददाता मिलन शर्मा भी हमारे पास है। मिलन, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए कि नीति आयोग के सदस्य कहते हैं कि एहतियात बरतने की जरूरत है, आपको फिर से मास्क लगाइए, बूस्टर डोज को लीजिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोई भी आप नियम नहीं जारी करते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट या दूसरे कुछ भी आप नहीं कर रहे, बस लोगों को कह रहे हैं कि आप एहतियात बरतिए। नहीं बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बैठक हुई है उसमें इसका संज्ञान जरूर लिया गया कि बाहर देशों में जिस तरीके से कोविड के केसेस अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, खासकर चीन जहां पर इतनी इस वक्त स्थिति खराब है कि वहां पर शमशान के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है, भारत में ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए जो समीक्षा बैठक की गई थी उसमें ये निश्चित किया गया कि जबकि बाकी देशों में केसेस बढ़ रहे हैं, भारत में केसेस में घट रहे हैं केसेस एक तरीके से, तो कमी दिखाई दे रही है केसेस की, लेकिन साथ ही साथ हमें एहतियात अभी भी बरतना जरूरी है। और इसी के चलते प्रिकॉशन डोज लेने की भी बात की जा रही है कि जिन लोगों ने नहीं लगाई है उन्हें भी प्रिकॉशन डोज लगानी चाहिए। हाँ, मास्क की आपने बात की तो निश्चित रूप से हम सब भूल गए हैं कि मास्क लगा के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और कई जगह पर जैसे रैलीज हो रही है या फिर शादियां हो रही है या पार्टियां हो रही है, वहां पर लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है जो चाइना में हो रहा है वो भारत में हो, और ऐसी स्थिति में फिर से लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए भारत सरकार कह रही है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आरटीपीसीआर की टेस्टिंग दोबारा से होनी चाहिए और सख्त तरीके से वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो पहले भारत कर रहा था उसको भी करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जो हमारे को पता चला है मंत्रालय की तरफ से कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कोई नई गाइडलाइन इस वक्त जारी नहीं की गई है। बिल्कुल, प्रश्न यही उठता है ना कि एक तरफ आप इधर एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप विदेशों से आने वाले यात्रियों और हमारे देश के लोगों के लिए फिर कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं कर रहे। मिलन, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ कहा है जो चीन में इस वक्त स्थिति चल रही है, सुना दें आपको। अभी हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है, प्रॉपर सर्वेलेंस की जरूरत है कि कहीं पर भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहां पर टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरियंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ना करें। विजिलेंट रहना जरूरी है, बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड। इसलिए हमें पूरी तरह से जीनोम सर्वेलेंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, तीनों चीज़ों पर फोकस देने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि आपको सावधानी बरतनी होगी, आपको पहले ही एहतियात बरतने होंगे। डॉक्टर शेखर, पहला सवाल आप ही से ही। सर, चीन में विकराल स्थिति हमको नजर आ रही है, लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि वहां पर कोविड का एक कौन सा वेरिएंट है और हम उस वेरिएंट के लिहाज से कितने तैयार हैं, तो क्या ऐसे में हमें डरने की जरूरत है? नहीं, मैं समझता हूं कि घबराहट फैलने की कोई जरूरत नहीं है, सतर्क जरूर रहना चाहिए जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा। और वेरिएंट का जब मामला आता है, अगर नया वेरिएंट भी हो तो हमारे देश में टीकाकरण काफी अच्छी तरह हुआ है, 2.2 बिलियन डोजेस हो चुके हैं और काफी सारे लोगों ने बूस्टर भी लिया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और थोड़ा सतर्क रहे, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग सरकार ने ऑलरेडी कहा है, ये अगर करे तो हम मेरे ख्याल से हमारी स्थिति काफी अलग है चीन से, इसलिए घबराहट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं, डॉक्टर अरविंद, क्या वाकई डरने की जरूरत नहीं? लेकिन प्रश्न यहां पर यह है, माना कि वैक्सीन हमारे देश में बड़ी आबादी को लग चुकी है, अब बूस्टर डोज की तरफ हमें, लेकिन वैक्सीन तो चीन में भी लगी है, तो क्या उनकी वैक्सीन निष्प्रभावी है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं और विदेशों में तुलनात्मक कम है चीन के अलावा? देखिए, इंडिया और चाइना में दो बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। एक बात तो कि जो उनकी वैक्सीन लगी है उसकी इफेक्टिवनेस पूरे विश्व ने डाउट की है, और मैं आपसे शेयर करूं कि जो सबसे पहला कंट्री था आउटसाइड चाइना, दुबई,
जिसने भारी मात्रा में उनकी वैक्सीन इंपोर्ट करके लगवाई थी, बाद में जब उन्हें उसकी इन इफेक्टिवनेस के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपनी सारी पॉपुलेशन को किसी दूसरी वैक्सीन से वैक्सीनेट कराया, क्योंकि वो चाइनीज वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को डाउट कर रहे थे। तो पहली बात तो उसकी इफेक्टिवनेस क्वेश्चनेबल है। नंबर टू, वो वैक्सीन भी चाइना में बहुत कम लोगों को लगी है और खासकर से जो हाई वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको तो बहुत ही कम मात्रा में लगी है। और तीसरी चीज जो इंडिया से बहुत डिफरेंस है कि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो की थी जबकि हमारे यहाँ चीजें ओपन हो गई थी। आपको याद होगा जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था तो उस समय बहुत सारी भारी मात्रा में पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन हुआ था, जिससे एक लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी है प्लस वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी है। तो हमारे पास ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है, उनके यहाँ नेचुरल इन्फेक्शन भी होने नहीं दिए गए और अब अचानक पूरे चाइना को खोल दिया गया, जो एक बहुत ही लॉपसाइडेड स्टेप था। और उससे पहले उनकी वैक्सीन इनइफेक्टिव थी और वो भी थोड़े लोगों को लगी है। तो जहां तक पॉपुलेशन इम्यूनिटी का सवाल है, आई थिंक चाइनीज और इंडियन पॉपुलेशन में एक बहुत भारी डिफरेंस है। आप बता रहे लेकिन मेरा वर्ड ऑफ क्वेश्चन, आप बता रहे हैं कि अंतर है सर, मैं लौट रहा हूं डॉक्टर राजेश, क्या आप डॉक्टर अरविंद की बातों से अग्री करते हैं कि हम तुलनात्मक इम्यून हैं और हाइब्रिड एक तरीके से इम्यूनिटी मिली हुई, लेकिन सर मास्क बड़ी मुश्किल से छूटा था, लोग बड़े परेशान हो गए थे और जल्दी मास्क की तरफ वापस लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है चीन को देखते हुए कि एक बार फिर से उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मास्क की तरफ? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपका पहला सवाल था कि डॉक्टर अरविंद जो बोल रहे हैं उसको मैं मानता हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तीन प्रॉब्लम है, चाइना में वैक्सीन नेशनलिज्म था तो उन्होंने सिर्फ उनका वैक्सीन इस्तेमाल किया और वो वैक्सीन उतना अच्छा नहीं था। जो लोग 80 के ऊपर हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 40% लोगों को वैक्सीन मिला, तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। और लेकिन और एक तीसरी चीज है जिसको हमको समझना चाहिए कि चाइना में जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो लोगों को पता नहीं चलता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये लोग सबको बताते कि प्रॉब्लम क्या है तो दुनिया समझ लेती और सीधे कदम लेते हैं। तो इसलिए हमको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए लेकिन सावधान रहना चाहिए। और एक बात है कि जीनोमिक एनालिसिस हो गई है, जो चाइना में जो वायरस अभी है वो ओमिक्रॉन का एक वेरियंट है, BF.7, और उसकी खूबी ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड कम है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ही है, यानी जो हम आर नॉट कहते हैं कितने जल्दी फैल सकता है, तो अगर डेल्टा का 5 था तो इसका 10 है, तो ये जल्दी फैलता है। लेकिन हमारे देश में जैसे डॉक्टर अरविंद ने बताया, एक तरह की हाइब्रिड इम्यूनिटी है, 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल गया है और बहुत लोगों को इन्फेक्शन भी हो गया है, तो करीब 90% लोगों को वैक्सीन की नहीं तो इन्फेक्शन की या तो दोनों की इम्यूनिटी है। तो शायद हमारा सिचुएशन चाइना से अलग रहेगा, लेकिन हमको मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और हाथ भी धोना चाहिए। आप सर बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का एक तरीके से सब वेरिएंट है, तो क्या हमारी जो वैक्सीन है क्या ये इम्पैक्ट या इफेक्टिव है इस पर? वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये जो वेरिएंट है वो डॉज कर रहा है इम्यूनिटी को, वो नहीं कर रहा है, तो शायद काफी इफेक्टिव रहेगी। डॉक्टर शेखर, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? चीन में क्या चल रहा है, कौन सा वेरिएंट है, कितना इफेक्टिव वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं, ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है फिर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका ऐसा है कि वो सभी देशों के साथ काम करते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि जब कोरोना आया था December 2019 में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम 7 दिन के भीतर ही चाइना पहुंच गई थी। 7 जनवरी 2020 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीम चाइना पहुंच गई थी चीन में। और उनके जो साइंटिस्ट है वो हमेशा बहुत क्लोज निगाहें रखे रहते हैं वहां पे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा म्यूटेंट आ रहा है। कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ओमिक्रॉन का वेरियंट आया, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी देशों को बताती है कि नया वेरिएंट आ चुका है और ये तेजी से फैल रहा है। लेकिन इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे कि दोनों डॉक्टर्स ने हमें कहा अभी कि घबराने की जरूरत नहीं है और मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे,
तो हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अरविंद, क्या समय आ गया है कि विदेशों से आने वाले यात्रियों की, हर आदमी की, हर व्यक्ति की चेकिंग हो, कम से कम एयरपोर्ट पर उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट हो, ये समय आ गया है? देखिए, पहली चीज तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चाइना के साथ इस समय हमारी फ्लाइट्स हैं, अगर बिकॉज मैंने चेक करने की कोशिश की है, मुझे इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया, अगर चाइना के साथ फ्लाइट्स हैं तो सबसे पहले तो वो फ्लाइट्स बंद होना चाहिए, क्योंकि हर फ्लाइट में वायरस के आने की पॉसिबिलिटी है, नंबर वन। नंबर टू, यूएसए, जापान, कोरिया, ब्राजील, ये चार और देश हैं चाइना के अलावा जहां नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन कंट्रीज से जो आने वाली फ्लाइट्स हैं उन पैसेंजर्स की टेम्परेचर की चेकिंग, और अगर कोई भी डाउट हो तो उनका टेस्टिंग एयरपोर्ट पर ही उनको जाने से पहले। यह एक आज की तारीख में एक्सट्रीम स्टेप लग सकता है, लेकिन जितना भयानक मंजर हम पिछली बार देख चुके हैं उसको अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है ये ओवर रिएक्शन नहीं होगी, ये प्रॉपर रिएक्शन होगी। और तीसरी, मैं पब्लिक से सबसे अनुरोध करूंगा कि मास्क लगाना, और जहां तक संभव हो भीड़ को अगर एक आध महीने के लिए, हमने 2 साल ये झेला है, हम सब एग्री करते हैं कि लोग बोर हो गए हैं, लेकिन जब ये खतरा है तो इस समय पब्लिक बिना गवर्नमेंट के प्रेशर के अगर अपने आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फिर से शुरू कर दे तो वो भी मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा। तो ये 3-4 स्टेप ही आज लिए जाने की जरूरत है। अगले हफ्ते 2 हफ्ते में जैसे जैसे जी, सिचुएशन अनफोल्ड होगी इसको ऊपर या नीचे किया जा सकता है। तो चीन में स्थिति यह है कि बेड्स हैं नहीं, जमीन पर लेट कर वहां पर इलाज करवाया जा रहा है, स्थितियां बहुत खराब हैं, मॉर्चरी में शव रखने तक की जगह नहीं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर शेखर मंडे हमारे साथ हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजेश पारिक, अब सीधा प्रश्न ये कि सरकार को आपके हिसाब से, एक एक्सपर्ट के तौर पर, सरकार को अभी क्या कदम उठाने चाहिए जाने चाहिए? एहतियातन लोगों से कहा जा रहा वो अलग बात है, लेकिन सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहले तो सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं, 2 करोड़ वैक्सीन दिए हैं, और अभी जीनोमिक एनालिसिस की बात चल रही है। तो ये तो जीनोमिक एनालिसिस का तो सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि पहले जब पहली वेव लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, तब हमको आरटीपीसीआर की बहुत जरूरत थी। अभी भी हमको आरटीपीसीआर की जरूरत है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे आपके ब्यूरो रिपोर्ट में अभी बताया, ये जो वेरिएंट जो चीन में अभी फैल रहा है वो अलग तरह का वेरिएंट है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, यानी बहुत कम समय में वो फैलता है और बहुत ज्यादा फैलता है। तो इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन सा वेरिएंट आ रहा है, और वो देखकर हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी इधर उधर बदल सकती है। तो वो तो कदम लिए हैं, और जो कुछ सबक हमने पहले सीखे थे उसका भी अभी इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि सरकार को कंटिन्यूअसली अलर्ट रहना चाहिए, विजिलेंस रखना चाहिए, और पॉलिसी जैसे वायरस बदलेगा, म्यूटेंट बदलेगा, तो पॉलिसी को भी एकदम फ्लेक्सिबल रख के जल्दी जल्दी बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर शेखर, यहां प्रश्न ये है कि आप अभी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उस वेरिएंट को, क्योंकि हमारे देश में वो नहीं आया है, वो चीन में है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, चीन कोई डेटा उसके बारे में बता नहीं रहा है, तो ऐसे में एहतियातन हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि मास्क मैंडेटरी कर देना चाहिए? मास्क मैंडेटरी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मास्क को हम लोग कह सकते हैं कि लगाने से अच्छा रहेगा। तो जितनी पब्लिक, अगर पब्लिक में अगर मास्क लगा है तो उससे वायरस फैलने का खतरा वैसे भी कम होता है, ये हमें पता है कि 3 सालों में। लेकिन चीन का म्यूटेंट यहाँ पे आया है कि नहीं है अभी तक कह नहीं सकते। जहां भी हमारे कोविड केसेस हो, नए कोविड केसेस आते हैं आज से बाद, उनका अगर सिक्वेंसिंग करें तो हमें जल्दी पता चलेगा कि वो वेरियंट आया है नहीं आया है। और आ भी जाता है तो उसके लिए डरने की बात नहीं है, हम लगातार कहते आ रहे हैं। इस सरकार को, सरकार की तरफ से आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए? क्या तत्काल अंतर्राष्ट्रीय, विदेशों से आने वाले जितने भी यात्री हैं, लोग हैं, उनकी, उनका आरटीपीसीआर आपके हिसाब से अभी मैंडेटरी होना चाहिए या आपको लगता है कि अभी नहीं? आरटीपीसीआर तो जरूर होना चाहिए एयरपोर्ट में, लेकिन फ्लाइट्स आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या किसी पर्टिकुलर देश से फ्लाइट अगर बंद करे, इसमें नहीं मैं मानता हूं। क्योंकि अगर म्यूटेंट आना हो हमारे देश में तो कहीं ना कहीं से जरूर आ ही जाएगा, लेकिन अगर आरटीपीसीआर करे
तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में जो लोग आ रहे हैं उनको आइसोलेट करके, जो पहले से रही है हमारी स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग की, कि जिन लोगों को कोविड से ग्रस्त हो जाते हैं उनको हम लोग इमिजिएटली आइसोलेट कर देते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी हम दोबारा अपना सकते हैं जो आने वाले हमारे विदेश में आने वाले लोग हैं उनके लिए। डॉक्टर अरविंद, ये पूरे विश्व को कोरोना देने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन ही है। वैक्सीन भी सबसे पहले उसने बनाने का दावा किया, हमने वैक्सीन बनाई, कहा कि हमने वैक्सीन लगा भी थी। वो क्या क्या वजह आपको लगती है कि उनकी वैक्सीन वहां पर इतनी इंपैक्टफुल नहीं हुई, इतनी इफेक्टिव आपके हिसाब से नहीं हुई, और देश तुलनात्मक ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन बना पाए जो चीन नहीं बना पाया? देखिए, चीन ने सबसे पहले वैक्सीन को बना के मार्केट किया था। चीन के प्रोसेसेस की एक बहुत बड़ी खामी है कि वहाँ ओपननेस, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। वो क्या वैक्सीन थी, उसके टेस्ट के रिजल्ट्स क्या थे, उसकी इफेक्टिवनेस क्या थी, इस सब के बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। चाहे मॉडर्ना हो या दूसरी वैक्सीन हो, हमारी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन सब का डेटा पब्लिक स्पेस में अवेलेबल है स्क्रूटनी के लिए। चाइनीज वैक्सीन्स का डेटा है नहीं, और जो है उसकी सच्चाई पर हमें सवाल उठ जाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उनकी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस डाउटफुल थी। दूसरा बात कि उन्होंने अपने यहां उस वैक्सीन को बड़े फ्रेगमेंटेड तरह से लगाया, जिस तरह से मैसिव टीकाकरण अभियान भारतवर्ष में हुआ, और पहले हाई रिस्क ग्रुप्स को लेकर, फिर बाकी लोगों को लेकर, फिर यंगर पॉपुलेशन को, एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको रोल आउट किया गया। ऐसा वहां नहीं हुआ। परसेंटेज पॉपुलेशन में पेनिट्रेशन इस वैक्सीन का बहुत कम था। तो एक तो वैक्सीन इनएफेक्टिव, उसको दिया बहुत कम लोगों को गया, और तीसरा जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लोगों की मिंगलिंग नहीं हुई, तो लोगों को नेचुरल इंफेक्शन हमारे यहां से बहुत कम हुआ। यानी उन्हें नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं मिली और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी नहीं मिली। कुल मिला के उनका इम्यूनिटी लेवल इंडियन इम्यूनिटी लेवल से कहीं कम है। हमारे यहां दोनों ही चीजें मात्रा भारी मात्रा में हुई, टीकाकरण भी हुआ लोगों को, ओमिक्रॉन के टाइम 90% से ऊपर पॉपुलेशन को हुआ, जिससे नेचुरल इम्यूनिटी प्लस वैक्सीन इम्यूनिटी मिला के हम लोग इम्यूनिटी वाइज उनसे कहीं बेटर हैं। और इम्यूनिटी वाइज आप बता रहे हैं कि हम ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन डॉक्टर राजेश, माना कि आपने फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगा दिया, तकरीबन 26-27% आपने बूस्टर डोज भी लगा दी है, लेकिन पहली वेव, सेकेंड वेव वैक्सीनेशन, और उसके बाद हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से अब तक उभर नहीं पाए। रोजाना हार्ट अटैक की वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, यानी कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन अलग अलग तरह के, तो ऐसे में क्या नए वेरिएंट के लिए हम तैयार हैं? देखिए, ये लॉन्ग कोविड जो है इसके बारे में अभी अभी हम हमारी नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन लॉन्ग कोविड काफी लोगों को हो रही है। एस्टिमेट्स है कि 30 लाख लोगों को दुनिया में ऑलरेडी हो चुकी है, और हम हॉस्पिटल में भी ये सब पेशेंट्स देख रहे हैं जिनको लॉन्ग कोविड हो रहा है। लेकिन एक मेरे को आपको ऐड करना है, डॉक्टर अरविंद ने अच्छी तरह से हमको एक्सप्लेन किया और वैक्सीन का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब हमने वैक्सीन पे किताब लिखी थी जनवरी 2021 में, एक पूरी किताब वैक्सीन पे लिखी थी, तो उसमें हमने लिखा था कि चाइना में दो वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था, और वो ट्रायल ही गलती का था पहले से तो उन जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे उनको पकड़ कर उन्होंने ट्रायल में लगाया था, कुछ इन्फॉर्म्ड कंसेंट कुछ नहीं था। दूसरा, ये दो वैक्सीन का डेटा कंफ्यूजिंग था, वो मिक्स हो रहा था, तो लोगों ने बताया था कि भैया आपने ये तो एक वैक्सीन का डेटा बताया है, वही डेटा आप दूसरे वैक्सीन में डाल रहे हो। तो उनका पूरा प्रोसेस पहले से ही गलती का था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सीक्रेसी रखी थी, यानी किसी को नॉलेज नहीं था, तो वो जो वैक्सीन का प्रॉब्लम उन्होंने किया था उसके वजह से ये आ रहा है, और ये वापस अभी फैल रहा है। ऑलरेडी यूएस में गया है, ब्राजील में गया है, बेल्जियम में गया है, ऑस्ट्रेलिया में गया है, और मुझे लगता है शायद हमारे देश में आ भी गया होगा, लेकिन जब जीनोमिक सीक्वेंसिंग होगा तब हमको पता चलेगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। लॉन्ग कोविड जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो हमको सिर्फ अभी 1 साल 1.5 साल के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर हम अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो लॉन्ग कोविड का कॉम्प्लिकेशन ये म्यूटेंट वायरस का है या पहले वाले जो ओमिक्रॉन के म्यूटेंट आए थे उसका है। डॉक्टर शेखर,
आपके हिसाब से अभी लोगों को क्या-क्या करना चाहिए, क्या डाइट अच्छी रखनी चाहिए उनको, कोविड से बचने के तमाम एहतियात उनको बरतने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, तो भी तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स का उनको लगातार पालन करना होगा तभी बचे रहेंगे। अरे कि कोविड से बचने के दो बहुत अच्छे तरीके हैं। एक तो जो टीका जरूर लगाए, जो हो चुका है, जैसे कि कहा गया है कि 2.2 बिलियन डोसेस हमारे देश में लग चुके हैं, तो वो एक अच्छा, बहुत अच्छा कवरेज है। दूसरा तरीका यह है कि लगातार मास्क पहने रहे बाहर में, पर्टिकुलरली पब्लिक प्लेसेस में, ताकि कोविड जो है वो हवा से फैलता है। जिस तरह उभर कर आया गए साल में एक एविडेंस कि ज्यादातर कोविड एरोसॉल के माध्यम से फैलता है, इसलिए अगर घर के अंदर भी रहे तो घर के अंदर का अगर वेंटिलेशन अच्छा रखे हम लोग, और बाहर जाए तो बाहर तो खुली हवा होती है, तो वहां पे अगर मास्क पहने रहे बाहर में, तो फिर कोविड फैलने का जो संभावना होती है वो कम होती है। तो घर के भीतर अच्छा वेंटिलेशन रखे, और घर के बाहर जितना हो सके उतना मास्क पहने, और जहां जहां पे लोगों की भीड़ हो वहां ज्यादातर ना जाए। अगर भीड़ करने की अगर कम कोशिश करे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जी, ये सब मिला के अगर हम लोग करें तो हो सकता है यानी कि कि हम एक बार लोग। फिर से सभी को सर मास्क को अपना साथी बना लेना चाहिए। डॉक्टर शेखर, डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर राजेश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन्फॉर्मेशन को साझा करने के लिए। तो चीन, वो चीन जिसने कोरोना को जन्म दिया, पूरे विश्व भर में फैलाया, पूरा विश्व भर चीन से पहले उभर गया, लेकिन एक बार फिर से एक नया वेरियंट जो कि फिर से चीन में है, और चीन के लोगों की हालत बहुत खराब है, और एक बार फिर से उसी संक्रमण का विश्व भर में फैलने का खतरा है। यही डर भारत को भी है कि कहीं एक बार फिर से ये वेरिएंट भारत में ना आ जाए, इसीलिए सरकार कह रही है कि एहतियात बरतें, मास्क लगाए रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं, कोई मैंडेटरी नहीं, अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपने स्तर पर प्रयास करें।